हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। तो गाइस, बहुत सारे लोगों को फ्लिपकार्ट के साथ किस तरीके से बैंक डिटेल्स को लिंक करना है वो पता नहीं होता है, और कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रहा है, उन्हें फ्लिपकार्ट के साथ अपने बैंक डिटेल्स को लिंक करने का जो ऑप्शन है वही नहीं मिल रहा है। तो गाइस, अगर आपके साथ भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो डोंट वरी, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा फ्लिपकार्ट के साथ अपने बैंक डिटेल्स को किस तरीके से लिंक करना है। तो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो चालू शुरू और स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर लेफ्ट साइड में आपको जो थ्री लाइन देखने को मिलता है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है माय अकाउंट्स, तो वैसे आप लोग को माय अकाउंट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको एकदम नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है माय कार्ड्स एंड वॉलेट, तो वैसे आप लोग को नीचे व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऐड न्यू कार्ड, तो वैसे आप लोग को इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपका जो कार्ड नंबर है, मतलब आपका डेबिट कार्ड का जो नंबर है, आपको 16 डिजिट का जो नंबर देखने को मिलता है उस नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर जो मेरा डेबिट कार्ड का नंबर है वो डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालना है, तो मेरा जो एक्सपायरी डेट है वो मैं डाल देता हूँ 8/2024। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो नाम है उसे डालना है, तो मैं यहाँ पर मेरा जो नाम है वो डाल देता हूँ। नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलता है कार्ड लेबल, तो बस ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट का जो कार्ड डिटेल्स है वो फ्लिपकार्ट के साथ लिंक हो जाएगा। उसके बाद आप जब भी पेमेंट करेंगे आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट को कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो ज़रा अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।